देखो सब्जेक्टिव शीट नंबर 10, इसके अंदर ये एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर। तो एक कंडक्टर है और कंडक्टर कैसा है, कंडक्टर में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पहले ज़्यादा है और फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, कम है। तो ये कंडक्टर है जिसमें एक का डायमीटर D1 है और एक का डायमीटर D2 है। तो डायमीटर D1 2 mm गिवन है, करंट डेंसिटी वायर की लेफ्ट पोर्शन की J गिवन है। करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट अपॉन एरिया गिवन है। व्हाट करंट फ्लोज इनटू द वायर, तो आपको बताना है वायर में करंट कितना है। तो पहला पार्ट तो बहुत क्लियर है, डायमीटर गिवन है आपको, इसमें करंट डेंसिटी गिवन है, डायमीटर गिवन है तो क्रॉस सेक्शन एरिया भी आ जाएगा पाई आर स्क्वायर से। तो करंट डेंसिटी इस करंट अपॉन एरिया, या फिर करंट इज इक्वल टू करंट डेंसिटी इनटू एरिया। तो क्योंकि करंट डेंसिटी पता है, एरिया क्रॉस सेक्शन का क्या है पाई आर स्क्वायर, आर की जगह डायमीटर बाय 2, तो यहां से वैल्यू पुट करके आप क्या निकाल सकते हैं, करंट आ जाएगा। पहला पार्ट क्लियर है करंट का। अब दूसरा पार्ट, करंट की वैल्यू पूरी वायर में सेम रहेगी, हालांकि हमने किया नहीं, सीरीज के अंदर करंट सेम रहते हैं और आपको पता है ये कंडक्टर पूरा का पूरा सीरीज में ही है। नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं, हमने लिक्विड्स में एक इक्वेशन की थी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जो जिसमें अलग अलग किस्म की पाइप्स हैं, बड़ी पाइप है फिर छोटी पाइप है, तो अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड पहली पाइप में और दूसरी पाइप में रिमेन्स सेम, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड सेम रहता है। यही थी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इसमें वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड की जगह चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। और चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड क्या रहता है, करंट। तो करंट दोनों वायर्स में क्या रहेगा, एग्जैक्टली सेम। कोई डाउट इसमें, ठीक। तो करंट इसमें सेम रहेगा। दूसरा, सेकेंड पार्ट में पूछ रहे, इफ करंट डेंसिटी इज डबल, जब वायर छोटी हो जाती है तो कह रहे जे टू करंट डेंसिटी है, और इसकी करंट डेंसिटी इसकी करंट डेंसिटी से डबल है, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बता रहे हैं, यानी कि J2 इज 2 times J1। तो आपको ये बताना है फिर ये डायमीटर D2 क्या होगा। तो रूल नंबर 1, करंट दोनों में सेम है, करंट डेंसिटी की फॉर्म में करंट क्या होता है, करंट डेंसिटी इनटू एरिया। तो यानी कि J1 A1 J2 A2, जैसे वो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होती थी, A1 V1 A2 V2, इसमें करंट इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या है, J1 A1 J2 A2। तो आपको सेकेंड की करंट डेंसिटी फर्स्ट से डबल गिवन है, एरिया की जगह पाई इंटू D1 by 2 का स्क्वायर, एरिया की जगह पाई इंटू D2 by 2 का स्क्वायर। आपको पहला डायमीटर गिवन है, ये करंट डेंसिटी इससे डबल गिवन है, ये कट जाएगी J1 G1, तो यहाँ से ये टर्म आएगी, D1 पता है, D2 कैन बी कैलकुलेटेड। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है यहाँ तक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ने कर लिया था रेजिस्टेंस वाला सारा काम, ये कर लिया था, ये भी कर लिया था। ये देखो, फाइंड द टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय सिंबल टाउ। फाइंड टाइम ऑफ रिलैक्सेशन टाउ बिटवीन कोलिजन्स एंड फ्री पाथ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर। फ्री पाथ बाद में डिस्कस करेंगे, पहले टाइम ऑफ कोलिजन की बात करते हैं, रिलैक्सेशन टाइम की बात करते हैं। क्या क्या गिवन है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का सिंबल क्या होता है, रो। और क्या गिवन है, नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी का मतलब n। और क्या गिवन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये गिवन है। आपको टाउ का एक ही फॉर्मूला आता है, हमने ओम लॉ की डेरिवेशन की थी, ओम लॉ की डेरिवेशन में रो का फॉर्मूला था, ये रहा m/n e² × टाउ, या रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी आता है, पर हमें क्योंकि क्वेश्चन में रो गिवन है और टाउ गिवन है, तो रो और टाउ का फॉर्मूला हमने किया था। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके टाउ टाइम एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ। एम का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि केमिस्ट्री से वैसे भी हमें याद है, 9.1 × 10⁻³⁻³। एन का मतलब नंबर डेंसिटी गिवन है, ई का मतलब चार्ज गिवन है, और रो का मतलब मुझे क्वेश्चन में ये भी गिवन है। सारा कुछ पुट करके मैं क्या निकाल सकता हूँ, टाउ निकाल सकता हूँ। कैलकुलेशन को छोड़े, मेथड समझ में आ गया क्या फॉर्मूला लगाना है। अब वो कह रहे हैं कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम आ गया, कह रहे फ्री पाथ निकालो। जब एक इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में चलता है तो वो कोलिजन करता है, अब जब तक उसकी कोलिजन नहीं होती तब तक वो फ्री फ्री है, इट इज़ फ्री टू मूव। तो जितना वो रास्ता कवर करता है उसको फ्री पाथ बोलते हैं। हमने ये KTG के अंदर भी किया था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, मीन फ्री पाथ, जो मॉलिक्यूल्स गैस के अंदर भी टक्कर मारते जाते हैं तो वो फ्री पाथ, ऐसे ही रहा।
तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जब तक उसकी कोलिजन नहीं होती तब तक वो क्या होता है, फ्री पाथ है। तो फ्री पाथ के लिए उसको टाइम कितना मिलेगा, टाउ, क्योंकि टाउ के बाद तो टक्कर हो जाती है, तो डिस्टेंस कवर वो क्या करेगा, एस इज इक्वल टू वी टी, और वो कितनी वेलोसिटी से मूव करता है, ड्रिफ्ट, और इनटू टाइम, टाउ, तो वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट गिवन है, इनटू टाउ, टाइम भी पता है, मल्टीप्लाई करके क्या जाएगा, फ्री पाथ। तो ये आइडिया समझ में आ रहा है कि फ्री पाथ के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कोई डाउट इसमें, पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो टाउ आ गया, फ्री पाथ आ गया, ठीक है यहां तक? नेक्स्ट है, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ें। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस वी गिवन है, अप्लाइड अक्रॉस वायर ऑफ एल गिवन है। जब भी ये स्टेटमेंट आ जाए ना, वी गिवन है और एल गिवन है, तो वी और एल को डिवाइड करके ई निकाल लो। ई क्या होता है, डीवी बाय डीआर, पोटेंशियल डिफरेंस को लेंथ से डिवाइड करेंगे तो ई आ जाएगा। तो यहां से डिवाइड करके ई आ गया, एक तो ई साइड पर रख लो। और क्या गिवन है, एरिया गिवन है, करंट गिवन है, नंबर डेंसिटी एन गिवन है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम निकाल दो। देखो मेरे को आज की डेट में ये फॉर्मूला आता है टाउ का, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का, ये फॉर्मूला हमने याद कर लिया। हमने फिर से इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, टाउ निकालना है। आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वही स्टैंडर्ड है, एन आपको क्वेश्चन में गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ई भी आपको पता है, आपको सिर्फ क्या चाहिए, रो चाहिए। अगर मैं आपको रो बता दूं तो हमारे से टाउ आ जाएगा अगले क्वेश्चन में। अब मेरे को इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ई तो पता लग चुका है, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म मुझे पता है, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, जे इज सिग्मा इन टू ई, करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट अपॉन एरिया, इस क्वेश्चन में करंट और एरिया दोनों पता है, तो यानी कि जे पता है, ई हमने निकाल लिया, तो क्या आ गया, सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, वन बाय रो, तो क्या आ गया, रो। और अगर रो आ गया फिर आगे देखने की जरूरत नहीं है, अगर रो आ गया तो समझो टाउ भी आ गया। तो मेथड क्लियर है यहां तक? तो मतलब मैं ओम लॉ को अप्लाई करके क्या निकाल लूंगा, इसमें रो, सिग्मा, सिग्मा से क्या आएगा, रो, रो से क्या आएगा, टाउ। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है, मेथड समझ में आ रहा है?